सोलन में गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल ने धूमधाम से तीज का त्यौहार मनाया। बेशक स्कूल बंद है, लेकिन उसके बावजूद भी गुरुकुल स्कूल ने त्योहारों की परंपराओं को टूटने नहीं दिया। उनके द्वारा ऑनलाइन ही त्योहार के रीति रिवाजों को निभाया गया। सभी छात्र छात्राएं और अध्यापक सुंदर सुंदर पोशाकों में ऑनलाइन नजर आए। मिलजुल कर सभी ने गीत गाए और बच्चों ने पंजाबी भंगड़े का आयोजन किया। इस कार्यक्रम से स्कूल प्रबंधन ने बच्चों और समाज को संदेश दिया कि भारत की परंपराएं ही हमें एक दूसरे से जोड़े हुए हैं, जिसके चलते सभी विषम परिस्थितियों में भी खुश रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी कोरोना संकट काल से निकल रहे हैं और बेहद चिंतित हैं, इसलिए उनकी चिंता को कम करने के लिए तीज का त्यौहार ऑनलाइन मनाया गया। सभी ने इस त्यौहार को धूमधाम से मनाया। अधिक जानकारी देते हुए गुरुकुल स्कूल की वरिष्ठ प्रधानाचार्य गुरप्रीत माथुर ने कहा कि उनका विद्यालय सभी त्योहार धूमधाम से मनाता आया है, जिसमें बच्चों को त्योहार के महत्व के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है, ताकि वे भारत की समृद्ध संस्कृति को समझ सकें। उन्होंने बताया कि भारत में तीन तरह से तीज मनाई जाती है, जिसकी जानकारी बच्चों को दी गई, साथ में उनके द्वारा नृत्य भी प्रस्तुत किए गए। सभी ने इस मौके पर बेहद मनोरंजन भी किया। विधायक एवं पूर्व मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने सोलन शहर के वार्ड नंबर 7 का दौरा किया। वार्डवासियों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना और उन्हें हल करने का आश्वासन भी दिया। वहीं उनके द्वारा 2 लाख रुपए से नालियों को ढकने के कार्य को आरंभ किया गया। उन्होंने वार्ड की सीवरेज व्यवस्था का भी जायजा लिया। उन्होंने वार्ड नंबर 7 के निवासियों को विश्वास दिलवाया कि भविष्य में उनकी कोई भी समस्या होगी, वह प्राथमिकता के आधार पर जल्द हल की जाएगी और उन्हें किसी भी तरह की असुविधा नहीं होने देंगे। वार्ड के लोगों ने उनके समक्ष कुछ समस्याएं भी रखी, जिन पर उन्होंने त्वरित कार्यवाही करते हुए नगर परिषद अधिकारियों से बात की और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। कर्नल धनीराम चौंडिल ने लोगों को विश्वास दिलवाया कि जिस तरह पहले भी वार्ड नंबर 7 में अनेक समस्याओं के लिए उन्होंने राशि विधायक निधि से पहले भी उपलब्ध करवाई है और भविष्य में भी उनकी समस्याओं के समाधान के लिए इसी तरह से राशि उपलब्ध करवा दी जाती रहेगी। उन्होंने कहा कि जो राशि बार्ड को उपलब्ध करवाई गई थी, उसका उपयोग बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री जीएस वाली ने बड़ा सियासी बयान देकर सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म कर दिया है। जीएस वाली ने हिमाचल प्रदेश में भविष्य में तीसरे मोर्चे की संभावना को तरजीह देते हुए उसे ही सूबे का भावी कर्णधार बताया है। यही बड़ी बात है कि कांग्रेस का दिग्गज होने के बावजूद भी जीएस वाली कांग्रेस के बजाय तीसरे मोर्चे को तरजीह दे रहे हैं, जो कि अपने आप में ही एक बड़ा संकेत है। तो भविष्य में हिमाचल प्रदेश की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। दरअसल जीएस बाली ने दोनों ही पार्टियों पर कांगड़ा की अनदेखी का आरोप भी लगाया है। बाली ने कहा कि इतिहास गवाह है कि जिसने भी प्रदेश के इस बड़े जिले की अनदेखी की है, उसे जनता ने कभी रिपीट नहीं किया। पूर्व में कांग्रेस ने वे कांगड़ा को हाशिए पर धकेला और आज भाजपा की भी कमोवेश यही स्थिति है। भाजपा तो इससे एक कदम आगे ही बढ़ चुकी है। अगर आज चुनाव हो जाए तो आज ही भाजपा को लोक सत्ता से बाहर कर देंगे। बाली ने कहा कि अब सत्ता में वही पार्टी आएगी और सरकार बनाएगी जो हकीकत में जमीन पर काम करेगी। अब लॉलीपॉप देने वालों का जमाना गया। अब बेरोजगार युवाओं को रोजगार चाहिए, कामगारों को काम चाहिए, अब भाषण नहीं राशन चाहिए और जो ये सब देगा जनता उसे ही अपना समर्थन देगी। जीएस बाली ने मौजूदा हालातों पर चर्चा करते हुए कहा कि इन दिनों लोग सोशल मीडिया में पलट कर जवाब देने लगे हैं, सवाल पूछने लगे हैं, हर दावों की पोल खोलने लगे हैं। जनता सियानी और समझदार हो चुकी है और अब जनता को मूर्ख बनाना इतना आसान नहीं रहा, इसलिए हकीकत में काम करना होगा, समाज सेवा करनी होगी और जो पार्टी ऐसा करेगी उसी को प्रदेश की सेवा का मौका मिलेगा। बावजूद इसके भाजपा और कांग्रेस में अभी भी ये सब नहीं दिख रहा, इसलिए भविष्य में कोई तीसरा ही बाजी मारेगा, ये भी तय है।